अस्सलाम वालेकुम शेफ ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत है। वेट पे रखे कंट्रोल, क्योंकि आज मैं बनाने जा रहा हूँ बिरयानी। बिरयानी का नाम है सिंधी बिरयानी। तो इंट्रो के बाद शुरू करते हैं। तो जी बेसिकली ये हमारे पड़ोसी मुल्क से है, दिल में वो प्यार तो क्या है बात। तो ये उन सभी लोगों के लिए है जो कुछ नया क्रिएटिव करना चाहते हैं अपने किचन में। तो ये आपके लिए एक अलग सी डिश होगी, और जिनकी नई नई शादी हुई है, जो वो चाहते हैं कि कुछ अपने प्यार करने वाले को खुश रखें, तो ये आपके लिए भी है। तो चलिए अब चावल को हम सोक करेंगे। तो जी बासमती राइस यूज़ कर रहे हैं, कम से कम मैंने 1 किलो बासमती राइस लिए हैं। अब एक बाउल लेंगे, मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं। 1 kg हम चिकन डालेंगे। चिकन डालने के बाद कम से कम 1 कप दही जाएगी इसके अंदर, और 1 ही कप टमाटो प्यूरी जाएगी। टमाटो प्यूरी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे बरिश्ता, जिसे आप फ्राइड अनियन की भी कहते हैं और बरिश्ता भी कहते हैं। तो एक सिंपल सी विधि है, कढ़ाई लीजिए, उसमें तेल डालिए, उस स्लाइस अनियन डालिए, हाईली फ्लेम पे इन्हें पकाना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। काली होगी तो ये ओवर फ्राइड हो जाएगी, फ्राइड अनियन नहीं रहेगी। तो जिंजर और गार्लिक पेस्ट डालेंगे 2 टेबल स्पून। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कार्डमम डालेंगे, और बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला की रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके बताइए, और 2 से 3 तेज के पत्ते जाएंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें कोरिएंडर पाउडर, कोरिएंडर लीव्स और मिंट लीव डालेंगे, और 4 से 5 हम स्लाइस करी हुई ग्रीन चिली डालेंगे। और उसके बाद हम रेड चिली पाउडर डालेंगे, सिंधी बिरयानी है स्पाइसी होती है, और नमक डालेंगे। फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। मैरिनेशन के लिए हम कम से कम 30 मिनट्स के लिए इसे रख देंगे। फिर एक कंटेनर लेंगे। अब चावलों की बारी है। पानी डालेंगे, जीरा डालेंगे, 2 तेज पत्ता डालेंगे, और 1 दालचीनी की स्टिक डाल देंगे आप, और तेल डालेंगे, और जब तक ये उबल ना जाए, जब तक उबल जाए फिर उसके बाद इसमें राइस डालेंगे। अच्छे से कम 80 से 90% हमारे चावल कुक होने चाहिए। फिर उसके बाद हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम तेल डालेंगे, और फिर हमारा जो मैरिनेशन वाला चिकन है वो हम डाल देंगे, और अच्छे से कुक करेंगे जब तक ये टेंडर ना हो जाए हमारा चिकन। अब चिकन को होने देंगे कुक। उसके बाद हम एक बाउल में वार्म मिल्क डालेंगे, उसके बाद हम सैफ्रॉन डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब हमारी फाइनल स्टेज है। तो अब हमारी सिंधी बिरयानी तैयार होने को आ रही है। तो हम अच्छे से घी डालेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे राइस। तो ये लेयर बाय लेयर जाएगी, 3 लेयर प्रोसीजर है हमारा। तो सबसे पहले लेयर जाएगी हमारी राइस की, फिर उसमें हम थोड़े सजाएंगे टमाटो, लेमन और ग्रीन चिलीज और कोरिएंडर और मिंट लीफ और बरिश्ता। उसके बाद हम डालेंगे चिकन, चिकन की लेयर लगाएंगे। अच्छे से चिकन की लेयर लगा रहे हैं, 4 से 5 पीस डालूंगा, मैक्सिमम बहुत हैं। अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड कर दूंगा, और जो करी है वो भी मैं स्पैचुला की मदद से डाल दूंगा। यही हमें प्रोसीजर 1 बार, दूसरी बार, तीसरी बार चलाना है। अब फिर से हमारी चावल की लेयर जाएगी, और जो मैंने आपको सैफ्रॉन बना के दिखाया था अभी, वो हम डालेंगे कम से कम 2 चम्मच। सैफ्रॉन डालने के बाद हमारे पास फूड कलर है, मैं रेड यूज़ कर रहा हूँ, आपकी मर्जी कौन सा आप यूज़ करना चाहें, यही हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। और बरिश्ता डालेंगे, तो उसके बाद लास्ट स्टेज पे भी हमारी यही सारी डेकोरेशन होगी। उसके बाद अच्छा खासा घी जाएगा, चारों तरफ घी डालना जरूरी है, चिपकेगा नहीं चावल। एक कपड़ा लेंगे, उसे भिगोएंगे और निचोड़ के फिर प्लेट के ऊपर रख देंगे चारों तरफ, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वैसे करना है आपको। और मंदी आँच पे 15 मिनट के लिए आपको पकाना है, और फिर खोल के देखेंगे तो ये आपका माशाल्लाह तैयार है। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। अब हमारी बिरयानी पक के तैयार है, सिंधी बिरयानी बन के तैयार है सिंधी बिरयानी। अब अपने पड़ोसियों को, अपने घर वालों को, सबके साथ शेयर करिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और दुआओं में बिल्कुल याद रखें। और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, और थैंक यू, सब्सक्राइब करना मत भूलना।